हे गाइस, गुड आफ्टरनून करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नई दोपहर की शुरुआत हो चुकी है। काकू फैमिली ब्लॉग का अभी अभी एंड किया है और स्कॉट भी साथ तक चैनल का स्टार्ट किया है और काम अभी करने जा रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर थोड़ा सा सामान सामान देखना है, सामान लेकर आना है। और बैक और फ्रंट जो बैठ के हम बना रहे हैं उसका थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। और जो कल ऑर्डर दे के आए थे ट्रॉली के लिए, वो थोड़ा सा देखने जाना पड़ेगा, उसकी सेटिंग वगैरह कैसी होगी और उसके जो मार्बल वगैरह का जो भी काम होगा सारा करने के लिए अब थोड़ा सा एक बार फिर बाहर, क्योंकि कल शॉप खुली हुई थी मेरी, शॉप पे कस्टमर आ गए थे तो वहाँ से फ़ोन आ गया था, तो पूरी प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो पाई थी हमारी। और बस हमारा थोड़ा सा अभी काम सिमटा, बाकी अभी काम सिमटना है। एक बोर्ड है जो मेरा बच गया, वो वापस करना है और बेड को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से और तैयार कर लेंगे। बस डॉली तैयार हो रही है, निकलते हैं। तो भाई साहब, ये मैडम जी तैयार नहीं है, वही आने के लिए जल्दी आ जाओ भाई। अपने हैंकी ले ली? मैंने हैंकी ले ली, आ जाओ भाई। चलो, चलो, ये बहुत टाइम लगा है भाई। बोतल आपके पास? अच्छा, पानी ले। आपको कलर डिसाइड करने आ गया, ये वाला ब्लू ले लें? नहीं, मैं अपने कलर डिसाइड करने का इसको। कलर आपने डिसाइड कर लिया, वो बता दो आप, डिजाइन बता दो भैया को कौन सा बनवाना है आपने। फटाफट से ब्राउन में देखिए वाला है। डिजाइन ऐसे लंबे में? नहीं, लंबे भी नहीं, ज्यादा खाने वाला डिजाइन बनाना, मिट्टी ज्यादा खाने वाला नहीं, मिट्टी घुसेगी। आइसक्रीम ले आया ये कच्चा। ट्रॉली के साइज में गड़बड़ हो गई थी ट्रॉली, ठीक है। अब ये छुटका भी आ गया, ये आया, डिजाइन चेंज करा दिया। सिलेक्ट करना है आपको, नहीं आ रहा मेरे घर। अब बेड का कलर हमने कौन सा पसंद किया था, बैक सीट वाला, और इसने आके चेंज करवा दिया ब्लू। गाइस, हमने टील कलर, ब्लू कलर पसंद किया था, मगर ये अब हमने दूसरा कलर पसंद, इस टाइप की बनेगी हमारी टीवी कैबिनेट। और ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये कलर वुडन कलर लेना है। डॉली करी वुडन ही सही है, क्योंकि हमारा जो सारा वर्क हो रखा है ना वुडन हो रखा है, और वुडन ही अच्छा लगेगा। हाँ, ऊपर सीलिंग, फॉल सीलिंग जो वुडन है इसके साथ, ये देखते हैं। वाइट वाइट लगवाते हैं, ये वुडन कलर लगवाते हैं, लाइट वाला ग्रे नहीं, जैसे नहीं ठीक है। लाइट कलर ये वाइट वो जल्दी गंदा, वाइट तो ये रहा भाई, ये लगा हुआ ये रहा। वाइट नहीं लेना यार, वाइट में से कलर निकल जाएगा ना, तो इसके अंदर की चीजें दिखने लग जाती है। हाँ, इससे ठीक रहता है, डार्क कलर है, सही है। लाइट डार्क के फिर ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। लाइन्स अभी भी नहीं डलवाना ना? नहीं, लाइन्स नहीं डलवानी यार, वो ये ना फिर मैल घुस जाएगी लाइन्स के अंदर, वो ज्यादा घुसेगी, फिर साफ करने में दिक्कत होती है। चीजें देखो अब क्या होती है, क्या नहीं होती। सिल्वर कलर की हैंडल लगाने, गोल्डन इसमें बता देते। अलमारी में कौन सा लगा होगा? अलमारी में गोल्डन लगा है, सिल्वर लगा? अलमारी में सिल्वर लगा हुआ है, गोल्डन हैंडल नहीं, गोल्डन हैंडल की पॉलिश जल्दी उतर जाती है, सिल्वर की नहीं उतरती। सिल्वर ही लगवा लो, फिर इसमें भी सिल्वर लगवाओ, ठीक है। फिर हमारी वो ये छोटी छोटी सेटिंग है, देखा इसके साथ ये ले लेंगे यार, सेटिंग साथ में ना, जगह तो देख लो, साइड में अगर जगह हो जाएगी ना, ये देखिए ड्रॉज भी है इसके अंदर, ये खोल के देखियो। हाँ, ये सेटिंग है, ये देख दो सेटिंग सही है यार, ये देखो दो दो। हाँ, इसके साथ मैचिंग सामान भी आ जाएगा, जैसे पेंसिल बॉक्स, ऊपर मार्बल पॉलिश हो रखी है अंदर। काकू, ये तेरे सेटिंग दे देंगे, पूरी तेरी स्कूल की सेटिंग बना देते हैं। हाँ, आ जाएंगे कॉपी किताबें, छोटी छोटी चीजें रखने के लिए दे रही, ठीक है। चाहिए अलमारी से टाइप, इस टाइप की सही है ना? ये तो है कलर, हां ये यही कलर है, मैट कलर आता है, ये तो मैट फिनिश है हमारा, ये वाला सही है काकू। अलमारी अच्छा, आपने मैट फिनिश में लेना है? मैंने मैं शाइन वाली नहीं चाहिए, शाइनिंग वाली करवा लें। मैट डलनी पड़ेगा, शाइनिंग वाला डल हो जाएगा। शॉप बंद है, शॉप के बाहर आ गए हैं भैया से फूल लेने के लिए। उठाओ जी अपने फूल, उठा लो। हाँ, कुछ खाना है काकू? क्या खाना है? वायरल नहीं, वायरल वायरल अंकल के पास जा रहा है मोमोज खाने के लिए। वो नहीं, काकू को मत खिलाओ, उसकी वेट बढ़ जाएगा, फिर उसको स्लिम होना है। स्लिम होना है, क्या खाना है? वहाँ से, कहाँ से मोमोज? डोसा। और आज देखो कितना रश है भैया के पास, ये वायरल पनीर मोमोज भैया के पास आए हैं, भैया वायरल मोमोज वाले हैं भाई साहब। ये है पार्टनर कैफे सर, कहाँ पर है आपका? तिलक नगर सर, सिंगला स्वीट के सामने, सिंगला स्वीट के साथ वाली गली में। बहुत वायरल हो रखा है सर आप, और मतलब टेस्ट A1 है। मैंने जब शुरू शुरू में काट लगाई थी ना आपसे, तब आपसे खाया था मैंने, मतलब हाँ दो तीन याद है ना आपको जी। बस उसके बाद अब आया हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल आपके पड़ोस में ही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। हाँ जी, यहाँ पे मेरे को हो गए सर 2 महीने, पहले हमारी 2 महीने इधर साथ में। भैया का बहुत बढ़िया टेस्ट है सर, बहुत बढ़िया, मतलब नंबर 1 है, नंबर 1। रेट रेट है ना, रेट और क्वालिटी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, इससे इनसे ज़्यादा बढ़िया रेट और क्वालिटी कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है भैया, लगवा दो फिर आप, ठीक है ना, टेस्ट करके फिर आपको बता देंगे। तो गाइस, ये है पनीर अफगानी, ये
अफगानी पनीर वाला मोमोज काकू ले लिए और भैया ने बना लिया बहुत बढ़िया। ठीक है काकू टेस्ट करके देख ले कैसा है एक बार आप खा के देखो पता लगेगा ना। खा पनीर का मतलब पनीर है प्रॉपर पनीर है एकदम है ना पनीर मोमोज में भर के पनीर डाला हुआ है भैया। चलो थैंक यू सर हो गए पैक। थैंक यू सर शुक्रिया बहुत बढ़िया टेस्ट था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमकीन मैंने निकलवा लिया सारी चीज़ें निकलवा ली है। इसके बाद ड्राई फ्रूट वाले पास प्लेट पेपर प्लेट वगैरह वाले पास सारी चीज़ें समाज में सारे इकट्ठा हो रहा है यार। ठीक है ना अब बाहर का कोई काम तो नहीं है ना। देखते हैं घर जाएंगे तो याद आएगा। चल ठीक भाई साहब किशमिश भी दे देना डॉले और कोई सामान लेना है। चल ठीक बाहर अंदर रश है बाहर ही रहो मैं आ रहा हूँ। भाई साहब पहचान गए और कह रहे कि बुधवार आपकी छुट्टी होती है और हम छुट्टी नहीं करते। यह बलबी को हमारे पड़ोस में शॉप है भैया की भी क्या नाम है शॉप का नाम बता दो। पंसारी की शॉप है सारी पुरानी से पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं इनके पास सारी पुरानी से पुरानी चीज़ें जड़ी बूटियाँ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं सारा कुछ सब कुछ। डॉले ये हैवी वाले गिलास ले रहा हूँ ये देख सही है ना हैवी वाले हाँ चाय पीने के लिए फिर हैवी सही रहेगा ना। सारा सामान पैक करवा दो आप भाई साहब। अब हो गया फाइनल सारा चले अब घर सारा सामान लेके चले अब घर पर नहीं बस और हो गया पैक हो रहा है सामान और कुछ नहीं रह गया बाकी देखते घर जाकर एक बार फिर चक्कर लगाना पड़े। पानी की बॉटल ले लेनी है हाँ दो पेटी है ना हाँ दो पानी की दो पेटी भी दे देने वहाँ बेचारा थक गया होके भाभी जी मुआयना करने आए हुए हैं। अभी सारा फैला हुआ काम को सारा हमारे को जितनी दिक्कत हुआ तो दोनों कमरे बनाए थे बड़ी दिक्कत आई वो दोनों आपने आपने एक साथ बना दी थी ना हमने एक साथ नहीं बनाना ना वही कहा कुर्ता पजामा देखे आ जा भाई जा तूने कौन सा डालेगा कलर मैं ब्लैक वाला। चल रौनक का सही कलर बना दिया ना मैंने चल ठीक है दिया जाके उसको का डाल के क्या देख रही है यहाँ पर आकर भाई चीने की ट्रॉली का ये ब्राउन कलर ही तो है चीने की ट्रॉली का मतलब इसके साथ मेल खाई रहा हाँ मेल खाएगा आमने सामने खाएगा वो तब तक पजल होती रहेगी तो अब सेटिंग होगी तो पता लग जाएगा कलर अच्छा चीने के रंग का चीने के रंग का ग्रे कलर है हाय मासी मासी बाय कर रही है चलो भाई बाय बांटते हैं उस उसके अंदर कितने बिस्कुट होते हैं मुझे नहीं पता सच में आप बांटते हो मैं गिनती करके थोड़ी बांटती हूँ चीजें तुझे पता ही नहीं है खुल्ला डुल्ला जितना मर्जी बांट लो खुल्ला डुल्ला जी जितना मर्जी बांट लो कम से कम पता होना चाहिए ना कितने की क्वांटिटी घर का देखो सामान में लाऊ ना तो मुझे कुछ पता होगा आप अगर दो दिन के लिए चले जाओगे ना सच में मेरा हाथ पर कांपने लग जाते हैं। अब एक बात बता दो वो क्या कहते हैं ना सार्थक को पता है चीजों का ना मुझे पता है हम तो राजा की तरह जीते आप एक एक चीज अरेंजमेंट कर देते हम बैठ के खा लेते हैं कर लेते हैं अभी तो एक मिनट आपके लिए कमेंट्स इतने अच्छे किए क्यों आते डॉली भाभी तो बिल्कुल ऐश करती है डॉली भाभी को भैया खिलाते हैं इतना प्यार करते हैं इतनी चीजें बना के देते हैं नहीं एक बात बता बात क्या बताओ मैं आपने शुरू से मुझे काम पे लगाया ही नहीं ना किसी काम पे की डॉली तू घर में बैठी हो जो चीज चाहिए तुझे पैरों के पास मिलेगा तो मैं बाहर निकली नहीं तो मुझे पता कहाँ से लगेगा ना मैं अपने घर में कभी चीज लाई पांच पांच भाई थे पापा थे करते थे यहाँ आई हूँ तो टच बुड इतनी बार मैं बाहर निकलती नहीं बिल्कुल भी क्या करूं नहीं तेरे को पता होना चाहिए ना अब तू देखा कर इस पैकेट के अंदर कितनी चीजें होती है हमें कितनी सस्ती पड़ रही है ये भी देखा कर सामान लेने मैं सामान कम देखती हूँ मुझे ये होता है कि आप ले रहे मैं अपने इधर तो घूमती रहती हूँ बस। अभी ये जो भाभी ने ये वाले पैनल लगाए हुए हैं भाभी ने ये पैनल लगाए हैं पूरे चीना के रूम के अंदर ये इन्होंने भाभी को मैंने पूछा काफी कॉस्टली पड़े थे और गाइस मेरे को मतलब काफी अच्छे रेट पे पड़े हैं और इसका जो पूरा प्राइस है मैं कल बताऊंगा ब्लॉग के अंदर काकू फैमिली ब्लॉग में कि क्या कितने की चीज कौन सी पड़ती है कौन सी चीज कितने की पड़ती है। ठीक है ना ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। बिस्कुट के बारे में बिस्कुट तो अलग अलग के पैकेट में अलग अलग तरीके कहते हैं ना मुझे वैसे भी ऐसे पता चला। देख मेरी बात सुन जैसे अगर 5 रुपए वाला एक बिस्कुट होता है ठीक है उसका हम पूरा पैकेट खरीदते हैं तो वो 45 रुपीज का पड़ता है हमें। ठीक है यानी कि 4.5 रुपए का एक बिस्कुट पड़ गया। ठीक है जो
लड़ी होती है चिप्स की लेकर आता हूँ, 10 रुपए वाली लड़ी होती है, ठीक है, वो 90 रुपए की पड़ती है, यानी कि 9 रुपए का एक पैकेट पड़ गया वो वाला। और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होते हैं, जब अभी केक के दो डब्बे लेकर आए हैं, ठीक है, उसके अंदर 5 रुपीज़ वाला मफिन्स है। तो उसमें कितने केक होते हैं? उसमें 24 होते हैं। 24? हाँ जी। वो हमें तो मुझे ऐसे ही लगा 107 रुपए। हाँ, 24 की पैकिंग होती है। 24 नहीं की होती है, 10 की भी होती है, और पूरे कार्टून के अंदर 144 भी होते हैं, अलग अलग वैरायटी का अलग। हाँ, पूरे कार्टून में पेटियां भी होती हैं। याद नहीं है जब गुरुपुरब था तो पूरी पेटी लेकर आया था, जो दुकान पे हम एक बार पहले बांटे थे, तो ये पूरी की पूरी पेटियां उठा के लाता था, पता नहीं है तुझे? बच्चे साथ में बांटते हैं भैया, बांटने का मतलब ये होता है कि बस हम प्रसाद बांटा रहे हैं, तो वो ऐसे होता है। जो अगर तुम मतलब एक चीज 10 रुपए वाली लेनी जाएगी तो एक चीज 10 रुपए की मिलनी है, उसके बाद अगर तू सारी चीजें होलसेल में लेने जाएगी फिर होलसेल वाला रेट मिलना है, ये चीजें होती है। भाभी बुला रही है। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का जी, जिसको नींद आ रही है, काकू को नींद आ रही है जी। तो गाइस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, फटाफट ब्लॉग का एंड करते हैं। और बस अब जो डिनर हुआ है हमारा फ्रूट का हुआ है, क्योंकि फ्रूट बहुत सारे पड़े हुए थे, अभी भी पड़े हुए हैं, काटने वाला कोई नहीं होता इस टाइम नहीं मिल रहा काटने का, फ्रूट काटने का, क्योंकि सुबह से लेकर टाइम मिलता है इधर उधर कामों में निकल जाती है, थोड़ा टाइम होता है मार्केट जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ देखने करने, कुछ बोलने, कुछ ऑर्डर देने, कुछ पता सामान। हाँ, बस दो तीन चक्कर ये है कि जो चीजें अब हम ले रहे हैं ना, नाप के ले रहे हैं कि हमारे रूम में के हिसाब से एडजस्ट होंगे नहीं, क्योंकि पहले एक बार ही लेकर दिक्कत हो चुकी है, तो इसीलिए मतलब उसी हिसाब से ले रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी है, कहाँ पर क्या चीज़ आनी है उसी, क्योंकि तभी करके हम गए थे, जो बेड का जो कलर था वो चेंज करवाना हमें पड़ा, पहले अलग कलर था वो, एक मतलब काकू को पसंद, सार्थक को पसंद नहीं आया था, फिर काकू को पसंद नहीं आया था, मुझे एक कलर पसंद आया था, इनको और काकू को एक कलर पसंद आया था, और वो कलर हमें नहीं पसंद आ रहा था, हमने सिंपल सोबर कलर लिया, बिल्कुल तड़क भड़क कलर हमें पसंद नहीं है मुझे। अब सबको कलर वो पसंद आ गया, मैंने कहा चलो यार ठीक है जी ये ले ले, फाइनल हो गया सबको। और ट्रॉली का भी जो कलर मैच था वो थोड़ा सा उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन था, फिर उसको भी जाकर ठीक तरीके से किया है। और बाकी अलमारी जो ली है हमने वो भी वुडन कलर वाली ली है, जो मैचिंग करते हुए ज़्यादा तड़क भड़क वाली नहीं है, क्योंकि अलमारी को भी ना अपने हिसाब से जो कस्टमाइज़ करवाया है, उसमें लॉक वगैरह कैसे क्या चीज़ें नहीं है, तो घर में देखो एक लोहे की अलमारी जो होनी ज़रूरी है, ये तो जो मम्मी जी ने दी थी हमें, इसको तो संभाल के रखेंगे। ऊपर हमारा रूम बना हुआ है, एक रूम ऊपर भी बना हुआ है हमारा, जस्ट एक एक्स्ट्रा सामान के लिए एक रूम बनवाया हुआ था, वहाँ पर मेरी वर्कशॉप थी, वहाँ पर जो कारीगर वगैरह लेबर है ना वो वहीं पर ही बैठती थी पहले, एक तो ललिता भाभी का एक मेरा बना हुआ है, वहाँ पे लेबर वगैरह सारी चीज़ें बैठती थी, और उसके बाद 3-4 साल बैठते थे, उसके बाद मैंने अलग वर्कशॉप ले रखी है, 2 वर्कशॉप ले रखी है मेरी, एक घर दोनों घर के पास में ही है, एक जगह कुर्ते पजामे वगैरह कोट पैंट वगैरह बनते हैं, एक जगह अलग चीज़ें बनती हैं, और बस तभी करके ये जाएगी हर वर्कशॉप में, क्योंकि मम्मी जी की जो है ना मतलब निशानियाँ, देखो ये तो कभी किसी को देनी नहीं है, आराम से ट्रॉली करके यहाँ पे रखेंगे, जो बर्तन वर्तन जो एक्स्ट्रा बच्चों के कपड़े जो सर्दियों के सर्दी गर्मी के जो कपड़े ना, हाँ, क्योंकि हम पार्टीशन करके कभी इसमें ऑलरेडी एक अलमारी है ऊपर, एक है, एक ये हो जाएगी, वो ऊपर ही दोनों चीजें रूम में एक ही रूम में आ जाएगी, अलमारी आप रख नहीं सकते ना, जगह कंजेस्टेड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर, ये तो क्योंकि एक लोहे की अलमारी हमें चाहिए, हमारे सिर्फ एक ही वॉल में अलमारी है, वो भी बहुत अंदर से गहरी है की हमें ऐसा अंदर अंदर से घुस घुस के सामान, जिसको मैंने पेंट किया आज, और मैं सच में सुबह भी सफाई करती हूँ, जगह कंजेस्टेड है ना, भी होगा नहीं एरिया, तो गाइस हॉल में बना भी नहीं सकते, इतनी अलमारियां सारी वॉल भर जाएंगी बिल्कुल। तो गाइस कल काकू फैमिली ब्लॉग देख लेना, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी मैं दे दूंगा आपको कि कितने की क्या क्या चीजें आई थी, क्या क्या चीजें, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं कि भैया कम से कम फाइनली रेट तो बता दो। मैंने उनको ये कहा था कि मैंने अभी सिर्फ पैनल के पैसे दिए, लेबर के पैसे नहीं दिए, क्योंकि पैनल अलग थे लेबर अलग थी, तो दोनों चीज़ें कंबाइड करके मैं बता दूंगा कितने का कौन सा पैनल लगा है, ठीक है जी। इसके साथ हम करें ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।